देखो बच्चों, ये लिखिए वर्ड स्पीकिंग। क्या लिखिए? वर्ड स्पीकिंग। तो इंग्लिश में लिखिए, इसकी हिंदी बता रहे हैं हम। ध्यान से देख लो सारे बच्चे। पहले लिखा है ह्यूमर। ह्यूमर, ह्यूमर मानी अफवाह। क्या होती है? अफवाह। इसका हिंदी मतलब होता है अफवाह। कहते हैं बहुत ह्यूमर फैला रहे हो, बहुत अफवाह फैला रहे हो हमारे बारे में, तो इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमर। क्या बोलेंगे? ह्यूमर। समझ में आया? अगला शब्द है रिपेंट। रिपेंट मानी क्या होता है बताओ? कौन बच्चा जानता है? है? रिपेंट मानी होता है पछताना। रिपेंट मानी पछताना। समझ में आया? अगला लिखा है स्नीक। स्नीक मानी होता है चुगलखोर। चुगलखोर कोई है आपकी क्लास में? हाँ। फिर लिखा है स्नीज। स्नीज मानी छींकना। स्नीज मानी छींकना। फिर लिखा है सिली। सिली मानी होता है बेवकूफ। बेवकूफ। फिर लिखा स्कॉल्ड। क्या लिखा? स्कॉल्ड मानी डांटना। कल सुनो मैं के लिए, समझ लेना। स्कॉल्ड मानी डांटना। फिर लिखा रेडी। रेडी मानी तैयार। आई एम रेडी। दो। दो मानी हालांकि। ये आता है सेंटेंस के बीच बीच में। दो पढ़ना है इसको। हालांकि। फिर लिखा अंटेड मानी जब तक। फिर लिखा ऑफिर। ऑफिर मानी अक्सर। हिंदी भी पढ़ सीखो, अंग्रेजी भी देखो, हिंदी की यानी पढ़ सकते हो। एनफ मानी पर्याप्त। फिर लिखा यूजल। यूजल, यूजल मानी होता है तुम्हारा हमेशा की तरह। हमेशा की। फिर लिखा यंग। यंग मानी युवा या जवान। एवर। एवर मानी ऊपर। फिर लिखा प्यूपल। प्यूपल मानी लो। फिर लिखा नो। नो मानी जानना। फिर लिखा डाउन। डाउन मानी नीचे। फिर लिखा मोर। मोर मानी अधिक। फिर लिखा लेस। लेस मानी कम। फिर लिखा ग्रेट। ग्रेट मानी महान। और जिसको जो बच्चे को जो अक्षर बोलने में परेशानी है वो इसको हमसे पूछ सकता है कि इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। है किसी को परेशानी? बोलिए कौन से पे है? एनफ। और बोलिए। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। स्नीज। स्नीज मानी छींकना। थैंक यू वेरी मच।